हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेशंस ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, सीए फाइनल के इस एसएफएम क्लास में हम पोर्टफोलियो टॉपिक का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। हम आज की क्लास में शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 36, सिंगल इंडेक्स मॉडल बाय विलियम शार्प। दोस्तों, इस सिंगल इंडेक्स मॉडल में आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो रिस्क को डिफाइन किया गया है एज एग्रीगेट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। वैसे तो ये बात आप पहले भी जानते थे कि पोर्टफोलियो रिस्क को जब हम ब्रेकअप करें तो हमें सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क मिलता था। तो मार्कोविज मॉडल में आपने किया क्या है, सबसे पहले आपने पूरा पोर्टफोलियो रिस्क डिफाइन किया बाय टेकिंग पोर्टफोलियो वेरियंस, फिर सिस्टमैटिक रिस्क सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो बच गया रेसिड्यूरी रिस्क वो बन गया अनसिस्टमैटिक रिस्क। विलियम शार्प के सिंगल इंडेक्स मॉडल में ऐसा नहीं किया जाएगा। विलियम शार्प के सिंगल इंडेक्स मॉडल में पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क कंप्यूट किया जाएगा और पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क भी इंडिपेंडेंटली कंप्यूट किया जाएगा। दोनों रिस्क का जो एग्रीगेट होगा वो बनेगा पोर्टफोलियो रिस्क। तो इक्वेशन तो वही की वही रहेगी, पोर्टफोलियो रिस्क इक्वल्स टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। बट दोनों के अप्रोचेस में, यानी कि मार्कोविज मॉडल और विलियम शार्प के सिंगल इंडेक्स मॉडल में जो डिफरेंस है वो ये है कि मार्कोविज मॉडल विल ऑलवेज फर्स्ट कंप्यूट द टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, सब्ट्रैक्ट द सिस्टमैटिक रिस्क टू अराइव एट द बैलेंसिंग फिगर एज अनसिस्टमैटिक रिस्क। On the other side, as per William Sharpe's single index model, independently you will compute systematic as well as unsystematic risk of the portfolio and then take the aggregate. तो ये independent calculation unsystematic risk का कैसे किया जाएगा single index model में, ये हम अभी सीखते हैं। आप screen पर ध्यान दीजिए, मैं आपको इन important बातों को लिखवा दूँ। So, as per William Sharpe's single index model, the portfolio variance can be determined as below. Sigma P square, that is portfolio variance, will be aggregate of systematic risk and unsystematic risk. So, we know one thing, how to determine systematic risk. It is sigma M square into beta of portfolio squared. So, friends, systematic risk, jaisa आपने मार्कोविज मॉडल में सीखा था, विलियम शार्प में भी वैसा ही करने का है, देयर इज नो डिफरेंस। और पोर्टफोलियो बीटा, अब वो आप मार्कोविज मॉडल अप्लाई करें या विलियम शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल, पोर्टफोलियो बीटा विल ऑलवेज बी द वेटेड एवरेज ऑफ बीटास ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो। सवाल यहां पर ये जो सिग्मा ई स्क्वेर्ड जो बता रहा है अनसिस्टमैटिक रिस्क, वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा। सो लेट अस पे अटेंशन टू दैट। Sigma E squared will be sigma E1 squared into W1 squared plus sigma E2 squared into W2 squared plus sigma E3 squared into W3 squared plus so on up to n number of terms। यानि के हर एक stock के unsystematic risk जिसे हम squared form में या variance form में रखेंगे, उसमें उस stock का squared weight मल्टीप्लाई किया जाएगा। दैट मींस जैसे हम वेटेड एवरेज ले रहे हो बट इन स्क्वेर्ड फॉर्म। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो यूजिंग विलियम शार्प्स सिंगल इंडेक्स मॉडल। अब दोस्तों, ये अप्लाई कैसे करना है, व्हेन यू लुक इनटू क्वेश्चंस ये आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन बातों का एप्लीकेशन सीख लेते हैं। Let us take up question number 71. पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। A has portfolio having following features. चार securities दिख रही हैं, L, M, N, K. हमें चारों securities का beta दिया हुआ है ये, और रैंडम एरर दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मेट में। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू विलियम शार्प दिस रैंडम एरर इंडिकेट्स द अनसिस्टमैटिक रिस्क।
दोस्तों कभी भी क्वेश्चन में रैंडम एरर इंफॉर्मेशन दिया हो तो आप क्या करेंगे, यू विल ऑलवेज कंसिडर दिस एज द अनसिस्टमैटिक रिस्क पार्ट, और ये खास ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में ये पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में है या वेरियंस फॉर्म में। यहां पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में है क्योंकि ये टर्म स्क्वायर्ड नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सिग्मा ई आई, ई स्टैंड्स फॉर द एरर टर्म, ये जो आई है आई रिप्रेजेंट्स फॉर ईच सिक्योरिटी, दैट मींस दिस इज द रैंडम एरर फॉर सिक्योरिटी एल, दिस 11 इज द रैंडम एरर फॉर सिक्योरिटी एम एंड द लाइक, और सभी का वेट्स दिया हुआ है और वेट का टोटल ऑब्वियसली 1 होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट इंडेक्स दैट इज सिग्मा एम इज 18%। फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें मार्कोविज मॉडल यूज करना है या विलियम शार्प्स अप्रोच यूज करना है नहीं बताया गया है, बट रैंडम एरर की हिंट इनफ है। दूसरी बात, चार चार स्टॉक के लिए आपको कभी क्वेश्चन में मार्कोविज मॉडल अप्लाई नहीं करना होगा, और वैसे भी मार्कोविज मॉडल अप्लाई करने के लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, एल का कोरिलेशन एम के साथ, एल का कोरिलेशन एन के साथ, एल का कोरिलेशन के साथ, फिर एम का कोरिलेशन एन के साथ, एम का कोरिलेशन के साथ, एंड सो मेनी कोरिलेशन इंफॉर्मेशन वी वुड वॉन्ट। इतने सारे इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, देयरफॉर इट इज इंप्लाइड कि आप यहां पर क्वेश्चन को मार्कोविज मॉडल से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग विलियम शार्प्स अप्रोच। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। दोस्तों सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पोर्टफोलियो बीटा कंप्यूट करेंगे, ये इसलिए क्योंकि हमें सिस्टमैटिक रिस्क कंप्यूट करने के लिए पोर्टफोलियो बीटा की जरूरत पड़ेगी। सो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज ऑफ बीटाज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, हमें हर एक स्टॉक का बीटा दिया हुआ है और उसके साथ उसके वेट्स दिए हुए हैं, तो ये कोई भी नया कैलकुलेशन नहीं है आपके लिए, यू नो इट वेरी वेल। यहां पोर्टफोलियो बीटा आता है 1.295। इसके बाद डिटरमाइनिंग पोर्टफोलियो रिस्क दैट इज पोर्टफोलियो वेरियंस यूजिंग विलियम शार्प्स मॉडल, एज पर विलियम शार्प्स सिंगल इंडेक्स मॉडल पोर्टफोलियो वेरियंस कैन बी डिटरमाइंड एज बिलो। पोर्टफोलियो वेरियंस विल बी एग्रीगेट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। वेरियंस अप्रोच से जो सिस्टमैटिक रिस्क आएगा यू नो वॉट इट विल बी, इट विल बी सिग्मा एम स्क्वेयर इंटू बीटा पी स्क्वेड, दैट इज वेरियंस ऑफ मार्केट इंटू पोर्टफोलियो बीटा स्क्वेड, ये पार्ट आपको दे देगा सिस्टमैटिक रिस्क, एंड प्लस सिग्मा ई स्क्वेड, दिस इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड्स ये कैलकुलेशंस जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है वो आप पहले लिख लीजिए, और ये मेन इक्वेशन जो है उसके बैकग्राउंड कैलकुलेशंस हम पहले कर लेंगे, एंड देन वी विल अराइव एट द पोर्टफोलियो वेरियंस यूजिंग विलियम शार्प्स मॉडल। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड एंड मेक द कैलकुलेशंस। अब ये बात आपने सीख रखी है, द गिवन रैंडम एरर फॉर ईच स्टॉक इंडिकेट द अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सच स्टॉक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एज द अनसिस्टमैटिक रिस्क अराइजेस बिकॉज ऑफ नो कोरिलेशन, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क मेनली अराइजेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोरिलेशन, सच अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर द एंटायर पोर्टफोलियो शैल बी डिटरमाइंड एज बिलो। सो अकॉर्डिंग टू विलियम शार्प सिग्मा ई स्क्वेयर ये टर्म बताता है द अनसिस्टमैटिक रिस्क पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो विच विल बी काइंड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ईच स्टॉक, बट यहां पर ध्यान देंगे वेटेड एवरेज डायरेक्टली कंप्यूट नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें हर एक स्टॉक के अनसिस्टमैटिक रिस्क को स्क्वेर्ड फॉर्म में यानी कि वेरियंस फॉर्म में लेना है, एंड देयरफॉर वेट ऑल्सो विल बी ऑन द स्क्वेर्ड बेसिस। सो वॉट यू कंक्लूड इज 7, 11, 3 and 9 ये दिए हुए हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के अनसिस्टमैटिक रिस्क बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने सभी का
7, 11, 3 and 9 sabka square le rakha hai. So that we have converted these into variance form. And yahan par jo weights hain, humne weights ka bhi squared value le rakha hai. Now, when you apply all this calculation, what you get is 17.755. And now, you can definitely compute the portfolio variance. तो पोर्टफोलियो वेरिएंस वाले इस इक्वेशन में जो हमें सिग्मा ई स्क्वायर चाहिए था ये हमारे पास रेडी कैलकुलेशन होकर आ गया है. नाउ वी जस्ट हैव टू डील विद दिस फर्स्ट पार्ट. सिग्मा एम स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ मार्केट. हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दिया हुआ है 18%. तो 18 का स्क्वायर लिया जाएगा यहां पर. एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जो आपने कंप्यूट कर रखा है यू विल बी टेकिंग अगेन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ दैट पोर्टफोलियो बीटा. सो व्हाट यू गेट इन कैलकुलेशन is 18 square representing market variance. 1.295 squared is beta portfolio squared. And ye error term, jo random error term hai pure portfolio ka, that is sigma e squared for the entire portfolio, jo humne abhi yahan se calculate kiya, 17.755. same calculation, 17.755. finally ye aata hai 561.11. But this is portfolio variance. We would want to determine portfolio standard deviation, which is square root of portfolio variance, which will be square root of 561.11, and that comes to 23.688%. All right, friends, you would have finished writing this whole thing. Let us take up another very important question. Coming up next is question number 72. Chaliye padhte hain kya diya hai yahan par. Consider the following data with respect to market index and two stocks X and Y. आपको question के information में standard deviation of X यानि sigma X दिया हुआ है, sigma Y दिया हुआ है, sigma M दिया हुआ है, WX, WY, correlation between X and Y, correlation between X and market, correlation between Y and market. You are required to determine the following, beta of X and Y. तो ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग वेरिएंस अप्रोच. यस, वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, वी कैन डू दैट. पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग मार्कोविज मॉडल. तो पोर्टफोलियो वेरिएंस के लिए वी नीडेड कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. दो ही स्टॉक्स हैं. इफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज नोन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज नोन, वेट ऑफ एक्स एंड वेट ऑफ वाई इज नोन, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई मार्कोविज मॉडल. And for computing portfolio variance using Sharpe's approach, you will need standard deviation of the market, which is available, and you will need beta of portfolio. Portfolio beta to aapko easily mil jayega, kyunki dono stocks ki individual beta aapne already second part mein compute kar liye honge, and you will have to apply portfolio beta in squared form, and thereafter you just have to मेक द नेसेसरी कैलकुलेशंस. तो फ्रेंड्स चलिए ये देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स और वाई का. सो बीटा ऑफ एक्स विल बी सिग्मा एक्स बाय सिग्मा एम इनटू कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड एम. सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. 8 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 0.8 दैट गिव्स यू 1.0667. एंड लाइकवाइज बीटा ऑफ वाई विल बी sigma y by sigma m into correlation between y and m, that will be 5 by 6 multiplied by 0.74, that comes to 0.6167. The next thing asked in the question is about unsystematic risk of x and y using variance approach. Ye kuch bhi naya nahi hai aapke liye friends. To x and y hum columnar calculations present karenge. So we'll take total risk as sigma squared, that is variance of x and y respectively. So friends, dhyan denge, standard deviation of x 8 hai, to variance of x aega 8 square yane ke 64. Waise hi standard deviation of y 5 diya hua hai, to variance of y aega 5 squared yane ke 25. Less karenge systematic risk. Systematic risk jo x ka aata hai, that will be sigma m squared into beta x squared. Sigma m is given as 6, so 6 squared into
बीटा जो हमने यहां कैलकुलेट किया था 1.0667 उसका स्क्वेर्ड वैल्यू ये आता है 4.96 एंड वाई के लिए अगेन सेम थिंग सो इट विल बी 6 स्क्वेर्ड इनटू 0.6167 स्क्वेर्ड ये इस तरह और ये आता है 13.69 सो टोटल रिस्क में से हमने सिस्टमैटिक रिस्क सब्ट्रैक्ट किए और जो हमें मिल जाता है एज अ बैलेंसिंग फिगर दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग वेरायंस अप्रोच 23.04 एंड 11.31 लेट अस प्रोसीड अहेड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हमें फाइंड करना है विच विल बी वेटेड एवरेज ऑफ बीटास ऑफ एक्स एंड वाई एंड दोनों स्टॉक्स के बीटा हमें मालूम है दोनों के वेट्स हमें मालूम है सो विदाउट एनी ट्रबल वी डिटरमाइन वेटेड एवरेज ऑफ दीज टू स्टॉक्स बीटा एंड वी गेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एज 0.8867 इसके बाद द एरर टर्म अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो के लिए आपको मालूम है हमें क्या करना है वी हैव टू कंसिडर अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स स्क्वेर्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई स्क्वेर्ड जब ये कैलकुलेशन हम करते हैं ये दोनों स्क्वेर्ड फॉर्म में यानी वेरायंस फॉर्म में कैलकुलेशन आपके पास ऑलरेडी थे और हमने इनके वेट्स के स्क्वेर्ड वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट सिग्मा ई स्क्वेर्ड दैट इज पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क यूजिंग विलियम शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल दैट कम्स टू 10.104 ऑलराइट फ्रेंड्स लेट अस मूव अहेड सॉल्यूशन में अब हमें आगे दोनों मॉडल्स अप्लाई करने एक एक करके तो पोर्टफोलियो वेरायंस दैट इज सिग्मा पी स्क्वेर्ड फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द पोर्टफोलियो वेरायंस यूजिंग मार्कोविज मॉडल एंड दैट इक्वेशन ये कितने बार आपको मैं ये भी बताऊं कि ये इक्वेशन आपको आती है तो हमारे पास दोस्तों सारे वैल्यूज अवेलेबल है वी जस्ट हैव टू अप्लाई द कैलकुलेशन मुझे यहां पर समझाने की कोई जरूरत नहीं है ये कैलकुलेशन आपको खुद को कर लेना चाहिए एंड फाइनली व्हाट यू गेट इज सिग्मा पी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 38.944 हमें पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा गया था पोर्टफोलियो वेरायंस पूछा गया था हम यहीं पर हमारा कैलकुलेशन रोक देंगे सेकेंड कैलकुलेशन हम शार्प्स मॉडल से करेंगे एज पर विलियम शार्प पोर्टफोलियो वेरायंस इज एग्रीगेट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क बोथ विल बी डिटरमाइंड यूजिंग द वेरायंस अप्रोच तो यहां पर सिग्मा ई स्क्वायर्ड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है यानी पूरे पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना होगा सिग्मा एम इज गिवन एज 6 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इज 6 विल टेक स्क्वेर्ड वैल्यू ऑफ दैट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वेर्ड दैट इज 6 स्क्वेयर इंटू 0.8867 स्क्वेर्ड प्लस 10.104 जो हमने पिछले वर्किंग में कैलकुलेट किया दिस कम्स टू 38.4085 फ्रेंड्स दोनों कैलकुलेशंस काफी क्लोज हैं बट दे आर स्टिल हैविंग डिफरेंस And you know one thing very well, mathematically, it is Markov's model that is proven by calculations. It is proven model. That means mathematical accuracy jo aapko milegi, that will always be with Markov's model. But yes, William Sharpe ke model ko bhi ignore nahi kiya ja sakta. Aapko aapke syllabus mein dono hi models tayar karne hain.